मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए YouTube की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookwithfaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार ड्रिंक जिसका नाम है पाइनएप्पल एंड कोकोनट डेकरी। रेसिपी बिल्कुल सिंपल सी है। सबसे पहले यहाँ पे रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं एक बच्ची का नाम लेना चाहूँगी जो मेरी बहुत ही प्यारी व्यूअर हैं, उनका नाम है हुदा। तो आई होप हुदा आपको ये रेसिपी पसंद आए। और बेटा आपका नाम भी मैंने ले लिया क्योंकि काफ़ी बच्चियाँ और बहनें हैं जो चाहती हैं कि उनका नाम वीडियो में ज़रूर लिया जाए, तो आज आपका नाम ले लिया। तो आई होप आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गर्मियों का मौसम है, ईद भी आ रही, तो थोड़ी सी ड्रिंक्स भी डिफरेंट है। और प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट भी आप चेक कीजिएगा जिसमें डिफरेंट रेसिपीज़ आपको मैंने दी हुई हैं ड्रिंक्स की। तो बेटा ये रेसिपी आज हुदा के नाम पे है, तो हुदा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको चाहिए सिंपली ब्लेंडर का जग, उसमें आप डालेंगे एक अदद बनाना यानी कि केला, पाइनएप्पल जो है मैं एक उसका कैन इस्तेमाल कर रही हूँ, यहाँ पे 432 ग्राम्स का है, तो उसमें आप ये पाइनएप्पल्स ऐड करेंगे, ठीक है। और जो उसका सिरप है वो भी मैं बीच में ऐड कर रही हूँ, ये चला गया बीच में। फिर इसमें आप ऐड करेंगे शुगर, 3 टेबलस्पून शुगर है। अगर आप किसी डायबिटिक के लिए बना रहे हैं तो प्लीज़ चीनी का इस्तेमाल ना कीजिए, बेशक लो शुगर इस्तेमाल कर लें। डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि खोपरे का बुरादा बीच में जाएगा, 3 टेबलस्पून भरकर है। और इन चीज़ों को डाल करके पहले आप ब्लेंड करें और उसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर आपने इसको बेसिकली अच्छे से ब्लेंड कर लेना है ताकि वो एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाता है, फिर आपको इशू नहीं होती है बीच में। अब आप इसमें ऐड करेंगे वनीला की आइसक्रीम, 3 स्कूप वनीला आइसक्रीम जाएगी बीच में, आइसक्रीम चली गई। और बीच में जाएगा दूध, 1.5 कप है, 1.5 कप जितना दूध है। और बीच में हम डालेंगे आइस, अब जितनी अब आपको आइस पसंद है आप डाल सकते हैं, ठीक है। वो इसमें कोई कोई ख़ास चीज़ नहीं है मेजरमेंट्स की कि आइस कितना डालना है, जितना आप डालेंगे उसमें एक बड़ा स्लशी बनता है, तो आइस डाल लें। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से हम यहाँ पे दोबारा ब्लेंड करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। अब आप इसको सर्व करेंगे, बनाने के बाद स्ट्रेट अवे आपने इसको सर्व कर देना क्योंकि ये जो है आइस की वजह से थोड़ा स्लशी होता है, तो इसको आप गार्निश कर सकते हैं जिस तरह आपका दिल चाहे। रेडीमेड स्प्रे क्रीम मिलती है, हम उस पर इस पर मैं वो डालने लगी हूँ। इस तरह की आपको स्प्रे क्रीम्स मिल जाती हैं आसानी से, ठीक है। तो ये आप इसको गार्निश कर सकते हैं और इसे अब कर लेते हैं हम डिश आउट। इसी के साथ इसे बनाते हैं और इसको सर्व कीजिएगा। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी इंग्लिश में आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पर जिसको cookwithfaiza.net पर। और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। अब आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएँ, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।